चाचू, भाषा के बारे में टीचर ने भी बताया था। क्या बताया था, जरा बताना तो। टीचर ने बताया था, बच्चों आज हम पढ़ेंगे भाषा। भाषा क्या होती है मैडम? भाषा भावों और विचारों के आदान प्रदान का माध्यम होती है। कैसे मैडम? कैसे? अच्छा यह बताओ, तुम अपनी बात या मन के भाव दूसरों के सामने कैसे प्रकट करते हो? बोलकर मैडम। और दूसरों की बात कैसे समझते हो? उनकी बात सुनकर। हाँ, और कभी कभी हम अपने विचारों को लिखकर भी प्रकट करते हैं, जैसे किसी को लेटर या ईमेल लिखकर, और दूसरे लोग उसे पढ़कर समझते हैं, है ना? जी मैडम। इस तरह अपने विचारों को बोलकर भी प्रकट किया जा सकता है और लिखकर भी। इस प्रकार भाषा के दो रूप हो गए, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। यह भी जानो कि हम बोलते हुए ध्वनियों का और लिखते हुए वर्णों का प्रयोग करते हैं। बोलने के लिए ध्वनियाँ और लिखने के लिए वर्ण, ऐसा क्यों मैडम? बच्चों, ध्वनि और वर्ण अलग अलग नहीं है, ये एक ही है। अंतर केवल बोलने और लिखने के लिए प्रयोग करने का है। लिखते समय हम बोली गई ध्वनियों के चित्र बनाते हैं, जैसे तुम्हारा घर का और स्कूल का नाम अलग अलग होता है, कुछ वैसे ही। समझ गए? अब आगे बढ़ते हैं। ध्वनियों को लिखने के लिए हमने कुछ चिन्ह निश्चित कर लिए हैं, और इन निश्चित चिन्हों को कहते हैं लिपि। यानी हम कह सकते हैं कि किसी भाषा को लिखने के लिए निश्चित चिन्हों की व्यवस्था को लिपि कहते हैं। इसका मतलब मैडम, सभी भाषाएं एक ही लिपि में लिखी जाती हैं? नहीं बच्चों, सभी भाषाओं की अपनी अपनी लिपियां होती हैं। जैसे हिंदी जिस रूप में लिखी जाती है, अंग्रेजी वैसी नहीं लिखी जाती। हिंदी की लिपि देवनागरी है, तो अंग्रेजी की रोमन। मैडम, और कौन कौन सी लिपियां हैं? हाँ, अच्छा प्रश्न किया तुमने। कुछ अन्य लिपियां हैं, पंजाबी की गुरुमुखी, उर्दू की फारसी, बंगला की बंगाली आदि। और जानते हो, नेपाली, मैथिली, बोडो, डोगरी, संथाली, संस्कृत, मराठी, कोंकणी, इन सभी भाषाओं की लिपि देवनागरी ही है। हिंदी देश के अनेक राज्यों में बोली और समझी जाती है, इसलिए हिंदी को राष्ट्रभाषा कहा जाता है। मैडम, हमारे देश में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? हमारे देश के संविधान में 22 भारतीय भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। इन्हें संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है, और ये भाषाएं हैं हिंदी, पंजाबी, उर्दू, डोगरी, कश्मीरी, बांग्ला, असमिया, उड़िया, गुजराती, मराठी, कोंकणी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, बोडो, संथाली, नेपाली, सिंधी, मैथिली, संस्कृत और अंग्रेजी। यह भी जानो कि भाषा के शुद्ध अशुद्ध रूप को पहचानने तथा उसके शुद्ध प्रयोग में व्याकरण हमारी मदद करता है, क्योंकि व्याकरण ऐसा शास्त्र है जो हमें भाषा के शुद्ध अशुद्ध रूप की पहचान कराता है। वाह, टीचर ने कितनी सरलता से भाषा के बारे में सब समझा दिया। अब तो भाषा के बारे में तुम सब कुछ जान गए ना? जी चाचू।